पति को अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर एक शादीशुदा आदमी को उसके ससुराल न जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि इसका भी एक आधार है जो ये बताता है कि कैसे आपका ये कदम आपको बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। चलिए इसे एक छोटी सी कथा के जरिए बताते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे, पूरे गांव में उनका काफी नाम हुआ करता था, लेकिन उनके पिता कभी भी उनकी तारीफ नहीं करते, बस ये कह के टाल देते कि अभी तो ये बच्चा है, कुछ नहीं जानता। एक दिन इस बात से परेशान हो उसने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काटने का फैसला किया और रात में कुल्हाड़ी लेकर उनके कमरे के बाहर पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अंदर से अपनी माँ की आवाज आई। वो अब उसके पिता से इसी विषय पर बात करते हुए पूछ रही थी कि हमारा पुत्र इतना बड़ा विद्वान बन गया है, पूरे गांव में लोग उसकी कुशलता की चर्चाएं करते नहीं थकते, फिर तो वो आपका पुत्र है, आप क्यों उसकी प्रशंसा नहीं करते। फिर उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, मैं जानता हूँ वो बहुत कुशल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर इस बात का थोड़ा सा भी अहंकार आए, लेकिन हाँ, पीठ पीछे उसकी तारीफ बहुत करता हूँ। ये सुनकर वो ज्ञानी पुरुष भाव विभोर हो गया और अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए बोला, पिताजी कृपया करके आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था, अपने पिता को मारने जैसा घोर पाप का ख्याल मेरे मन में आया, आप मुझे इस कदम के लिए सजा दीजिए। पहले तो पिता ने मना किया, किंतु बेटे के बार बार कहने के बाद पिता ने बेटे से बोला, बेटा चलो ये बताओ तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ होता है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी ससुराल में। तब पिताजी बोले, बेटा ठीक है, तुम अब से 6 महीने तक अपने ससुराल में ही रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। फिर क्या था, वो ज्ञानी पुरुष अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल रवाना हो गया। ससुराल पहुंचते ही सब उसे वहां देख खुश हो गए कि दामाद जी आए हैं, उनकी खातिरदारी करो। पहले तो वो उस ज्ञानी पुरुष के लिए तरह तरह के पकवान बनाने गए, लेकिन अगला दिन होते ही पकवानों की संख्या में कमी आ गई, धीरे धीरे समय बीतता गया और खाने में बासी रोटियां मिलने लगी। यही नहीं, उनसे ससुराल वाले गाय को चराने और गोबर उठाने जैसे काम कराने लगे। उनकी पत्नी को ये सब पसंद नहीं आया, उन्होंने आकर अपने पति से बात भी की कि इतने ज्ञानी होकर आप ये अपमान क्यों सह रहे हैं, चलिए हम अपने घर वापस चलते हैं, पर उन्होंने जाने से मना कर दिया। जाते भी कैसे, पिता को वचन जो दिया था। एक दिन की बात है, वो विद्वान व्यक्ति शांत बैठे एक श्लोक लिख रहे थे, तभी वहाँ उनकी पत्नी पहुंची, उन्हें देखते ही बोलने लगी, आप श्लोक बना रहे हैं, मत बनाओ इन्हें, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है। तभी वो बोले, ऐसा नहीं है, मेरे एक एक श्लोक की बहुत कीमत है, चाहे तो इसे आजमा लो। पति की ऐसी बातें सुनकर पत्नी उस श्लोक को लेकर बाजार में बेचने निकल गई। सब वहां खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र इत्यादि बेच रहे थे, तो वो खोज पत्र में श्लोक बेच रही थी। सब उसके पास आते और कीमत पूछते तो वो बताती 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। धीरे धीरे बाजार का लगभग सारा सामान बिक गया, लेकिन उसके श्लोक को किसी ने नहीं खरीदा। तभी वहां राजा आया। राजा का ये नियम था कि जो भी सामान बाजार में नहीं बिक रहा होगा वो उसे खरीद लेगा। राजा ने विद्वान पुरुष की पत्नी को बैठे हुए देखा तो उसने पूछा, ये तुम क्या बेच रही हो? तो उसने जवाब दिया, ये श्लोक है जो मेरे पति ने लिखा है। राजा की कीमत पूछने पर पत्नी ने उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं बताया। क्योंकि राजा वचनबद्ध था तो उसे वो श्लोक की मुंह मांगी कीमत चुकानी ही पड़ी और विद्वान पुरुष की पत्नी इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही जैसे उसके घर वालों ने वो मुद्राएं देखी, सब फिर से पहले की तरह उस विद्वान पुरुष की सेवा सत्कार में लग गए और 6 महीने पूरे होते ही वो विद्वान पुरुष और स्त्री अपने घर वापस लौट गए। तो दोस्तों, इससे ये साफ हो जाता है कि ये दुनिया धन की संगी है। यहाँ कोई किसी का सम्मान नहीं करता, सम्मान करता है तो उसके पद का, उसकी संपत्ति और उससे होने वाले लाभ का। बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी वास्तविकता के साथ आपको अपनाते हैं। इसीलिए जो पति ये समझते हैं कि ससुराल में उनका बहुत आदर सम्मान हो रहा है, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सम्मान भी थोड़े दिनों तक ही होता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इसीलिए जितनी आप दूरी बना के रखेंगे उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।